नहीं मिला, इसी कारण उस पार पे बेलवर नाम का गांव है, उस पार पे बेलवर नाम के गांव में माता लक्ष्मी आज भी विराजकर इस वृंदावन धाम की प्राप्ति की तपस्या कर रही है। और जब भगवान भोलेनाथ आए उनके मन में इच्छा हुई मैं महाराज के दर्शन करूं, तब उनको भगवान की ललिता सखी ने रोक दिया, बोले महाराज ये नित्य निकुंज की गोपी भाव की लीला है, तो इस गोपी भाव की लीला में जरा भी किसी में अहमत्व है पुरुषत्व है। देखिए पुरुषों में होता है अहंकार प्रधान और माता में होता है ईर्ष्या प्रधान, है ना। तो भगवान भोलेनाथ को रोक दिया, बोले महाराज आप भी दर्शन के अधिकारी नहीं, बोले ऐसा कौन सा उपाय है जिससे मैं इस महाराज के दर्शन कर पाऊं। तब उन्होंने श्री ललिता सखी ने श्री यमुना जी की शरण में भगवान भोलेनाथ को भेजा। भगवान भोलेनाथ को श्री यमुना महारानी जी ने अपने वस्त्र श्रृंगार आभूषण अलंकार धारण कराए हैं और आज दाढ़ी पूछ वाले बाबा महाराज में पहुंच गए। इतने लंबे चौड़े स्वरूप के सारी सती देख रही है कि ये कौन सी नई गोपी आई, तो भगवान तो पहचान गए। भगवान कहते बोले आइए गोपेश्वर, तब से भगवान भोलेनाथ का नाम पड़ गया, बोले श्री गोपेश्वर महादेव की। संपूर्ण संसार में मात्र श्री वृंदावन धाम में भगवान भोलेनाथ गोपी रूप में विराजमान। तो श्री यमुना महारानी जी की ऐसी कृपा है कि जो भक्त सत्य में युगल सरकार की भक्ति करना चाहे, दो प्रकार के भक्त है, एक तो ऐसा भक्त है जो मात्र दुनिया को दिखाने के लिए भक्ति करता है और एक ऐसा भक्त है जो तन मन धन सर्वस्व ठाकुर जी को न्योछावर करता है। क्योंकि हम ब्रजवासी हैं तो हमने बड़े बड़े भाव देखे, एक या नेता आते हैं अभिनेता आते हैं अधिकारी आते हैं, उनके अंदर अहंकार होता है कि हम नेता है अधिकारी है मंत्री है, उस अहंकार से कभी यह भाव नहीं चल सकता, क्योंकि देवाधिदेव महादेव को भी गोपी बनना पड़ गया इस युग सरकार की कृपा के लिए, हम और आप मान लगे। तो ऐसी कृपा है इस ब्रजमंडल में, जितना शून्य बन के आ जाओगे एक घास के टुकड़े से भी स्वयं को छोटा मान लो तो ठाकुर जी की भक्ति मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलेगी। भैया बहन सिर में थोड़ा चुन्नी डाल लें और यमुना जी को ध्यान करें हाथ जोड़कर।